तो हमें तो मायावती की सरकार बहुत अच्छी लगी, उन्होंने हमें 6-6 बीघा जमीन भी मिली हुई आगे चल के। पहले चंद्रशेखर को अगर तुम अभी फोन करो 4 घंटे बाद यहाँ मिलेगा। ये भाजपा वाले सबका साथ सबका विकास हो करो जाओ, हम तो अपना विकास करेंगे। एक बार जीत गए ना तो बस वो तो अपनी फुल फॉर्म में आ गया, वो उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। चंद्रशेखर जाओ हत्ती का निशान उसे दे देंगे वोट, हम तो उसे भी नहीं हटते। जिसका हत्ती का निशान रहेगा वोट उसे देंगे। चावल मिल जा या गेहूँ मिल जा इस सरकार में, ये तो मान लो इस सरकार में इस अलग कुछ नहीं। 5 किलो चावल एक महीने, 5 किलो चावल में कर लगा आदमी टाइम। तो एक बार सिर्फ एक राज्यपाल सियाणी एक नेता बनकर गया, आज के बाद में हमने तो कोई नेता इसका हिंदू देखा नहीं। दलितों के अनुसार तो सरकार सबसे बढ़िया मायावती की रही। रोजगार भी कुछ नहीं बढ़ा, जो पहले था आज भी वही है। हत्ती का सम्मान हो यहाँ पहले समय जितने चमान यहाँ से वहाँ तक है। आदमी दोनों कह दे तू क्या कर लेगा, जब हो जाए तेरे जो करता। आप तो मीडिया वाले जब वो आ जाओ जो इलेक्शन लड़ रहा मुझे कह देंगे तुझे देने का नियम। जय भीम साथियों, आप सभी को पता है कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार हम लोग आपको गांव मोहल्ला कस्बे में जाकर विकास दिखा रहे हैं। इससे हम जो लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, ये गांव है कमेड़ा, यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर संजीव बाली जो कि भाजपा से हैं। अभी हम जिस गांव की जिस बस्ती में मौजूद हैं ये दलितों का एरिया है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं विकास के बारे में, मुद्दों के बारे में, जो आने वाले चुनाव हैं इस पर इनके क्या मुद्दे रहेंगे। तो सतीश जी मुझे आप एक बार बताइए, लगभग 10 साल मोदी जी के कार्यकाल को पूरे हो गए, अगर मैं आपसे पूछूं बहुजन समाज की स्थिति किस तरीके से रही सरकार में? अच्छी रही, पर करे क्या, ये तो अब जब कहीं लगती नहीं बेचारी। हमारे थोड़े से आदमी हैं, कुछ इंगे हो जा किसी इंगे करनी, हम तो भाई पक्के मायावती के आदमी। इनकी सरकार बढ़िया रही खराब रही? नहीं, सरकार तो इनकी अच्छी रही, सरकार में तो कोई कमी नहीं रही। बहन जी की सरकार अच्छी सरकार रही। हाँ। आपके लिए बहन जी की क्यों अच्छी रही है? मैं हम किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई ना कोई दिक्कत हुई। अगर हमारा छोटा मोटा कुछ मामला भी होगा दंगा फिसाद तो वो यहीं कहीं निमट गया, आगे भी नहीं जाने दिया। और आज क्या स्थिति, अगर आज भी ऐसी माहौल बन जाए? लूट मचाई हो रही है आज का क्या जिक्र है। जैसे पुलिस आ गया तो माड़े आदमी को देख कर तो और ज्यादा डरे हैं, और धमका के दो लेते तो 10 ले में। ठाड़ा आदमी दोनों कह दे तू क्या कर लेगा, जब हो जाए तेरे जो करता। दलितों के अनुसार तो सरकार सबसे बढ़िया मायावती की रही। जैसे हम गरीब शरीफ आदमी अपने बच्चे को मजदूरी शजदूरी करा कर पढ़ा लिखा रहे, अब जा दौरान ये आ गया जो उसका वजीफा हुआ था वो भी खत्म। और जी क्या ना कहीं से 10 रुपए जमा कर देते आधे आधे फिर आ जाते तो गरीब आदमी पढ़ा लेता। अब गरीब आदमी का जो भी हिल्ला खत्म, ये भी पढ़ा नहीं सकते बच्चों को। तो हमें तो मायावती की सरकार बहुत अच्छी लगी, उन्होंने हमें 6-6 बीघा जमीन भी मिली हुई आगे चल के। पहले इन्होंने हमारी सारी सुविधा करी, ऐसे बताओ क्या सुविधा करी हमारी। 5 किलो चावल एक महीने, 5 किलो चावल में काट लगा आदमी टाइम, बताओ काट लगा। हिलना मजदूरी हमारी नहीं रही, गरीब आदमी अखिलेश का ऐसी जैसी इसकी फूल की वही का कम न रहा था, उन्हें कौन था हमें उसमें बड़े। हमें तो सिवा हत्ती से और कहेंगे पता ही नहीं, और जब तक जीवेंगे जब तक पता ही नहीं रहने का। हमें वोट ही हत्ती गए, पार्टी से अलावा हमें वोट नहीं देना कहीं किसी को भी, किसी को नहीं देना, चाहे हुई हो चाहे जीती हो, देंगे हत्ती को। चंद्रशेखर का नाम सुना है? चंद्रशेखर तो उसकी औलाद हगी, पहले तो वो ये माँ उसकी मायावती, जब तक बड़ा हो जाएगा बाप बड़ा रहेगा तो चंद्रशेखर कहें दिन का बालक। चंद्रशेखर तो बुआ बुआ करते नहीं थे, लेकिन मायावती जी नहीं मान रही है अभी उनका भतीजा अपना। वो तो मानना पड़ेगा ने, हम तो चंद्रशेखर को भाई अभी देखा नहीं, यहाँ से एक बार देखा था इलेक्शन हुआ था खड़ी वाले लाए थे। लेकिन आपकी लोगों की जो लड़ाई है आज के समय में वो चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं भी अन्याय हो जाए आप लोगों के साथ वो सबसे पहले पहुंचते हैं। चंद्रशेखर जाओ हत्ती का निशान उसे दे देंगे वोट, हम तो उसे भी नहीं हटते। जिसका हत्ती का निशान रहेगा वोट उसे देंगे हम, जब तक जीती जिंदगी है पार्टी तब तक वोट इनके तिंगे देना नहीं। तो इतनी मोहब्बत उस हाथी से कैसे हुई मुझे आप ये बताइए। भाई हाथी से हुई, वो अपना है, अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को वोट देंगे और किसे देंगे, दूसरी पार्टी में कहा देंगे। ये भाजपा वाले कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ तो ये भाजपा वाले सबका साथ सबका विकास हो करो जाओ, हम तो अपना विकास करेंगे। तो सब में आपने आपको नहीं मानते वो है ना? हमें कोई नहीं मानता सिवा हमारी बहन से मायावती से, हमारे दिमाग में ही नहीं, हम गैर कभी कोई बेकार करे अपना वोट। जब इलेक्शन होते हैं तो आप लोगों के बीच में आते हैं भाजपा वाले या साइकिल वाले? हमारे तो पास में सभी आते हैं, सब आते हैं, ऐसी बात कुछ नहीं, सबका सम्मान हो, वोट माया कोई दें। तो कभी कभी ऐसे मामला पड़ा कि मुंह पे बोल दो भैया वोट तुम तो भेजो, खड़े होकर कह दे सामने आप तो मीडिया वाले, जब वो आ जाओ जो उनसे इलेक्शन लड़ रहा मुझे कह देंगे तुझे देने के नहीं वोट। वाह जी वाह, ऐसा कुछ नहीं, उसके सामने कह दे हम बड़े नहीं देने गए और हमें खा जाएगा। ये जो बहन जी के जो कैंडिडेट होते हैं, कुछ मेरी सुनने में भी आया है कि ये लोग एक्टिव नहीं है, अब के समय में एक्टिव नहीं है। कोई कार्यकर्ता आता है आपसे मिलने, इनके जो नेता वगैरह है कोई आता मिलना आप लोगों से? अभी तो आए नहीं जी, अभी तो आए नहीं, आवेंगे टाइम पर आवेंगे, आने बनने अब तो चल लो होने लगे। हत्ती का सम्मान हो यहाँ पहले समय में, जितने चमान यहाँ से वहाँ तक है, दो और चार चले गए तो क्या चले गए फूल फाल पे गए, कुछ लोग गए भी है फूल पे। जहाँ हमारा गांव में तो सभी तरह के हैं, ऐसी बात कोई नहीं, दो चार उसके भी गए होंगे, इतने सारे हत्ती के वोट है। भाई मायावती जी का जो समय था और आज की भाजपा की सरकार, इन दोनों गवर्नमेंट में आपको अंतर क्या नजर आते दोनों में? इस सरकार में क्या रहा,
बस ये सरकार में इसमें यही फायदा रहा भाई, आदमी कभी भी रात बिरात में निकल सके, इतना ही तो फर्क है। नहीं तो इस सरकार में इसमें नुकसान बहुत है, इन तो कागजों में ही पूर्ति कर दी सबकी। नुकसान कैसे कैसे हैं, क्या क्या हुआ जी? कागजों में ही देखो कितने कागज बनवा दिए इनने, यो बनाओ वो बनाओ, फलाना बना दो, ढिमकाना बना दो, कागजों में लगा रखे सब। रोजगार भी कुछ नहीं बढ़ा, जो पहले था आज भी वही है। दलितों की स्थिति क्या है, अगर मैं सिर्फ दलितों की बात करूं, कितना बदलाव मानते हैं स्थिति में भाजपा के आने के बाद? ना जी, हमें तो कोई फर्क नहीं लगता, हम तो जैसे पहले थे ऐसे ही है, सेम के सेम ही है, बस इतना ही है। बस यो इसके भाई चावल मिल जा या गेहूं मिल जा इस सरकार में, ये तो मान लो इस सरकार में, इससे अलग कुछ नहीं है। ये जो सांसद साहब आपके डॉक्टर संजीव बालियान, कभी आते हैं क्षेत्र में? हाँ, एक बार बात हुई थी उनसे भी, मगर वे भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वे तो ध्यान ही नहीं करते। जीतने के बाद कोई भी विधायक हो, जीतने के बाद कोई भी विधायक हो, किसी की कोई नहीं सुनता, कोई भी विधायक बात करने को तैयार नहीं है। एक बार जीत गया ना तो बस वो तो अपनी फुल फॉर्म में आ गया, वो उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। हम उसके पास गए, बात करने का समय नहीं था उसके पास। तो बहन जी के विधायक भी ऐसे निकले आप लोगों जी? मैं बताऊंगा, बहन जी ने भी हमारी ऐसे विधायक ठाए थे, मौलवी जमील, वो तस्कर है जिसे इनने मतलब विधायक बनाया था। बताओ क्या है वो, जाकर उसकी फुल फॉर्म काट के देखो तुम। बहन जी की कार्यशैली पे सवाल उठा रहे हैं कि बहन जी दलितों को टिकट क्यों नहीं देते, मुसलमानों को टिकट क्यों देती हैं? बस 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 यही बात है, टिकट तो कम से कम मिलना चाहिए भाई, हमारी सीट पे टिकट दो हमारी बिरादरी को, हम मानेंगे फिर। और पैसों को हमारे दौरे ऐसे ऐसे आदमी की पैसों से भी नहीं हटने का, जितने चाहिए उतने ले लो। चंद्रशेखर के बारे में क्या क्या सुन रहे हैं आप लोग? चंद्रशेखर बहुत अच्छा इंसान है, हम लोग कहने लगे बहुत अच्छा इंसान है और बहुत बढ़िया तरीके से उभर के चल रहा, हम लोग कहने लगे उभर के चलता रहा ना तो बहुत बढ़िया निखर का कलम का। अब समस्या क्या, अगर ये जुट जाना एक जगह, जुट जाए अगर एक जगह तो बहुत अच्छा है इनके लिए। नहीं वो तो मुझे पता है, मैं देखता हूँ कभी कभार। चंद्रशेखर भाई कई बार बुआ बुआ करते नहीं थक रहे हैं, उनके भतीजे ने भी हाल ही में गए थे वे, कई बार उनके पास पहुँचे वे, इस बारे में मुझे पता है कि वही कई बार उनके पास पहुँचे भी, टिकट के लिए भी उन्होंने कई बार कहा, उन्होंने सहारनपुर सीट भी मांगी, कई सीट मांग के वे थक लिए उनसे। अच्छा मुझे अब आप एक बात बताइए, जहाँ भी दलित समाज के साथ जाति होती है सबसे पहले कौन नेता पहुँचता है? नहीं नेताओं में तो मत हूँ, अब फिलहाल जो है ना चंद्रशेखर को अगर तुम अभी फोन करो 4 घंटे बाद यहाँ मिलेगा। आप मायावती को फोन करें अभी? देखिए बहन जी के बारे में तो मैं कह नहीं सकता इस बारे में, मगर चंद्रशेखर के बारे में जब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को आप अभी फोन करो और आप लोगों के साथ कहीं भी जाते हो चंद्रशेखर यही मिलेंगे, तो वही चीज मायावती के साथ क्यों नहीं है? नहीं ये तो पक्की बात है, आप जो कह रहे हैं ना ये बात सही है। बेचारा जो हमारा यो आदमी है तो ऐसा है कि अगर तुम किसी आदमी को शिकायत हो ना तो 24 घंटे खड़ा। यो छवि का ही तो मसला है, अगर वो उनको यो पार्टी से अलग हो गया, अगर यो जुड़ गया एक बार, इससे जुड़ गया, जुड़ के चला तो इनने पार्टी बना लेगा, और पार्टी बना के पता लगा कि हमारी पार्टी खत्म है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ आपके पास बसपा का प्रत्याशी होगा, चंद्रशेखर की बात अभी चल रही है अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव चंद्रशेखर कांग्रेस का एक प्रत्याशी आपके पास आता है तो आप किधर जाएंगे? हम तो चंद्रशेखर को छोड़ देंगे, हाथी को छोड़ देंगे आप? पक्का भाई, वो आदमी ऐसा है, उसे अगर हम रात बिरात को भी अगर बुलाते हैं तो वो आ तो जाएगा, अब वो अलग पार्टी से लड़ेगा, इन्हें इस बारे में अनुभव नहीं है। जहाँ भी किसी को आदमी को समस्या होगी वहाँ पहुँचता। कहीं ना कहीं आप मायावती जी से नाराज हैं? नाराज कुछ नहीं, नाराज ही हुई है बस, मैं बताऊंगा पार्टी से आदमी जुड़े और जुड़ के रहे। अब हमारे बार तो इतना पता है, मैं तो एक बार सिर्फ एक राजपाल सियाणी एक नेता बनकर गया, आज के बाद में हमने तो कोई नेता इसका हिंदू देखा नहीं, किसी हिंदू नेता आज तक बना तुम्हारे यहाँ बताओ? एक वो नेता जीता आता है, क्या नाम था, मनुकुनागर भी तो आता, मनुकुनागर बिजनौर से है वो सांसद। नहीं किसी आज तक किसी हिंदू को इन्होंने पर्चा दिया आ गया बताओ? तो इस बात की नाराजगी है ना बहन जी साहब को? नाराजगी नहीं भाई, वो लंबा बेचारा जो उभर का आ रहा ना मैनु करा, वो इसके सामने सुनने का बहन जी के सोने का नुह है मैं अनुकरा एक बार। वो बहन जी ने इतना संघर्ष किया, आपको इतना न्याय दिलाया, आपके लिए इतने कानून बनाए, आज वो आप माइक पर बैठ के बोल रही है, बहन जी की तो देन है सारी। देख बुराई नहीं हम भाई कर रहे हैं, हम नु कह रहे हैं, वो एक बहन जी जो है ना उन्होंने तो किसी विधायक को उठा दिया, मतलब एक मुसलमान को हमारे गाँव के को पर्चा दे दिया, ठीक है। मैंने पहले कहा मुसलमान मुसलमान की पक्ष करेगा, ठीक है, और भाई रुक जा, यो ऐसा पर्चा दे दे तू, यो हमारी सुनेगा, हम जाएंगे तो हमारी सुनेगा, और भाई मुसलमान को पर्चा देगा तो मुसलमान मुसलमान की सुनेगा। हाँ, हमारी तो मेरा सवाल जो था वो आप समझ गए ना कि अखिलेश यादव कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद का अलग प्रत्याशी आपके पास आता है, एक तरफ बहन जी का प्रत्याशी होगा, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगे? भाई मैंने तो बता दिया, मैं तो भाई दिखा, अगर वो हमारी तरफ से लड़ता है ना इस सीट से
तो पक्का उठ के उसको वोट है, बहुत चंद्रशेखर को वोट देंगे। बहन जी कब छोड़ देंगे? बहुत वोट है उसके, इन्हें तो पता भी नहीं लगना है भाई, आधे वोट ऐसे निकट जाएंगे इनके घर में कहीं।